bloody sweet. दोस्तों आपका स्वागत है आज के हमारे नए एपिसोड में और आज हम बात करेंगे इंडिया के 2023 की चार सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें थालापति विजय की फिल्म लियो, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, शाहरुख खान की फिल्म जवान और सनी देओल की फिल्म गदर 2 शामिल है। और आपको बताएंगे इन चारों फिल्मों का आज का और अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा, थालापति विजय की फिल्म लियो और सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई, और इन चारों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बनेगी 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म और कौन बनेगा इंडिया का बॉक्स ऑफिस सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट मूवीज अपडेट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डेली अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थालापति विजय की फिल्म लियो के बारे में। तो दोस्तों थालापति विजय के फैंस लियो फिल्म को लेकर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फिल्म को लेकर दिन पर दिन एक नई अपडेट भी सामने आ रही है। और आखिरकार फिल्म के लिए एक काफी बड़ी गुड न्यूज आ गई है। शायद आपको पता नहीं हो तो आपको बता दें इंडिया में आईमैक्स के सिर्फ 27 स्क्रीन है और 27 की 27 स्क्रीन लियो फिल्म ने हासिल कर ली है, जिस वजह से फिल्म इंडिया में इस साल की काफी बड़ी रिलीज फिल्म बन गई। और लियो फिल्म भी लोकेश यूनिवर्स की काफी बड़ी फिल्म है और लोकेश यूनिवर्स की सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई थी, जिस वजह से उम्मीद है थालापति विजय की फिल्म लियो भी बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग करे। लेकिन आपको बता दें लियो के साथ टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत पार्ट 1 का क्लेश होने वाला है और दोनों फिल्मों के एक साथ रिलीज होने की वजह से दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़े। लेकिन देखना काफी दिलचस्प रहेगा बॉलीवुड और साउथ मूवीज में से कौन सी फिल्म अक्टूबर मंथ में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाती है। तो दोस्तों आप थालापति विजय की फिल्म लियो और टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत में से कौन सी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं हमें नीचे कमेंट कर अभी बताएं। वहीं बात कर लेते हैं इस एपिसोड की दूसरी फिल्म टाइगर 3 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है टाइगर 3 2023 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और फिल्म को लेकर अभी से काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि फिल्म में आपको एक्शन, रोमांस और मास एंटरटेनमेंट फुल देखने को मिलेगा और फिल्म का बजट भी लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और खास बात है फिल्म स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जिस वजह से हो सकता है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जवान के हिंदी ओपनिंग डे कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। वहीं फिल्म के टीजर को लेकर भी खबर आ रही है, टाइगर 3 का टीजर हमें इस मंथ के एंड ऑफ वीक में देखने को मिल सकता है। तो यह सलमान खान के फैंस के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की तीसरी और सनी पाजी की फिल्म गदर 2 के बारे में। आपको बता दें गदर 2 फिल्म में आपको सनी पाजी के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में दिखाई दिए थे। वहीं गदर 2 फिल्म भी 2023 की बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी, क्योंकि सनी देओल इस फिल्म से काफी बड़ा कमबैक करने को तैयार थी। और आखिरकार सनी देओल के फैंस के बीच गदर 2 फिल्म ने काफी अच्छा बज बनाया और सिर्फ 60 करोड़ रुपए के बजट में बनाए जाने के बावजूद सनी देओल की फिल्म गदर 2 अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही काफी बड़ी ओपनिंग करते हुए 40 करोड़ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही, क्योंकि फिल्म को सिर्फ 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिस वजह से फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन काफी अच्छा माना गया। वहीं फिल्म का दूसरे दिन से लेकर फिल्म का 7वें दिन यानी पहले हफ्ते का कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक काफी जबरदस्त रहा। वो फिल्म अपने पहले हफ्ते से लेकर अपने दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करने में कामयाब रही, क्योंकि फिल्म ने अपने पहले हफ्ते जहां अपने बजट से 6 गुना ज्यादा कमाई करते हुए 284 करोड़ 63 लाख रुपए कमाए थे। वहीं फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के साथ साथ 134 करोड़ 47 लाख रुपए का धमाकेदार कलेक्शन किया। वहीं फिल्म का तीसरे और चौथे हफ्ते का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा रहा, क्योंकि फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते 63 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए। वहीं फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते भी काफी कम स्क्रीन होने के बावजूद 27 करोड़ 55 लाख रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो गदर 2 फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए लगभग 7 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक गदर 2 फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर काफी कम यानी गिनतियों की स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद फिल्म का 43वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 21 लाख रुपए के आसपास रहा, जिस वजह से फिल्म अपने 43 दिनों में हिंदी लैंग्वेज में बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए 524 करोड़ 22 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही। लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से लगभग 11 गुना से भी ज्यादा की कमाई की। वो फिल्म बॉलीवुड की 2023 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तीसरी
3 सबसे बड़ी फिल्म बनी जिसने अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 674 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए। लेकिन सनी पाजी के फैंस को उम्मीद है फिल्म जल्द ही 700 करोड़ रुपए का भी आंकड़ा पार करेगी, लेकिन हमारे मुताबिक फिल्म का 700 करोड़ क्लब में शामिल होना लगभग अब नामुमकिन लग रहा है। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा फिल्म लाइफ टाइम 700 करोड़ क्लब में शामिल हो पाती है या नहीं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की चौथी और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में। आपको बता दें इस फिल्म में आपको बॉलीवुड के साथ साउथ का एक मिक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, क्योंकि इस फिल्म में आपको शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा और विजय सेतुपति भी काफी अच्छे रोल में दिखाई दिए थे। इसी के साथ फिल्म को डायरेक्ट किया था साउथ के बड़े डायरेक्टर एटली ने, जिस वजह से फिल्म को लेकर साउथ में भी काफी अच्छा बज बना और 300 करोड़ रुपए के बिग बजट में बनाए जाने की वजह से जवान फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी स्क्रीन मिली और 4.5 के जबरदस्त रिव्यू मिलने की वजह से फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनते हुए 65 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। वहीं फिल्म ने अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ रुपए का धमाकेदार आंकड़ा पार किया। वो फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी बड़ी ओपनिंग करने में कामयाब रही, जिस वजह से फिल्म का 5 दिनों का लंबा वीकेंड होने की वजह से फिल्म ने अपने 5 ही दिनों में हिंदी बॉक्स ऑफिस से लेकर इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही सिर्फ 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा आसानी से पार करते हुए 327 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए। वहीं फिल्म का पहले हफ्ते का यानी 7 दिनों का टोटल हिंदी तमिल तेलुगु यानी इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 369 करोड़ 43 लाख रुपए से ज्यादा रहा। लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने 7 दिनों में 660 करोड़ 3 लाख रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। लेकिन अगर फिल्म के आज के और अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो जवान फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए लगभग 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान फिल्म की आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक थोड़ी सी ड्रॉप देखने को मिल रही है, जिस वजह से माना जा रहा है जवान फिल्म आज अपने 15वें दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकती है। वहीं फिल्म का हिंदी तमिल तेलुगु यानी ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रहेगा, जिस वजह से शाहरुख खान की फिल्म जवान का 15 दिनों का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 479 करोड़ 69 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। वही फिल्म अपने 15 दिनों में सभी लैंग्वेज में ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 530 करोड़ 6 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर सकती है, जिस वजह से हो सकता है फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2023 की बॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के साथ साथ 941 करोड़ रुपए का भी आंकड़ा पार कर दी। तो दोस्तों आज के और अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिर से हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तो गदर 2 फिल्म का कलेक्शन रहा ज्यादा, लेकिन लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान ने मारी बाजी, जिस वजह से हिंदी बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े सुपरस्टार बने सनी देओल और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सुपरस्टार बने शाहरुख खान। लेकिन आप थालापति विजय की फिल्म, लियो सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, शाहरुख खान की फिल्म जवान और सनी देओल की फिल्म गदर 2 में से कौन सी फिल्म को कहोगे 2023 की इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, और आप इन चारों सुपरस्टारों में से कौन से सुपरस्टार को कहोगे इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, शाहरुख खान को, सलमान खान को, सनी देओल को या फिर थालापति विजय को? आप किराए हम नीचे कमेंट कर जरूर बताओ। सुनाया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट हिंदी साउथ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।